जब पिरामिड की बात आती है तो सबसे पहली तस्वीर जो दिमाग में आती है वो है मिस्र की पिरामिड की। मिस्र की तरह ही दुनिया के दूसरे कोने में एक और सभ्यता मौजूद थी जिन्होंने पिरामिड बनाने में महारत हासिल कर ली थी और इस सभ्यता का नाम है मायन सभ्यता। मायन सभ्यता अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता थी जिन्होंने सबसे पहले चित्रलिपि विकसित की थी और ये अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता थी जिनके पास कला, गणित, वास्तुशिल्प, कैलेंडर बनाने की और खगोल शास्त्र का ज्ञान था। मायन सभ्यता आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस और एल साल्वाडोर तक फैली हुई थी। इस क्षेत्र में माया सभ्यता के कई शहर पाए गए हैं जिनमें से चिचन इत्जा सबसे प्रसिद्ध है जहां अमेरिका के कई बड़े पिरामिड मौजूद हैं। इसके अलावा भी माया सभ्यता के कई शहर ढूंढे गए हैं और कई शहर ढूंढे जाने बाकी हैं। माया सभ्यता के कुछ मिथक शहर भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं और आज भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, जिनमें से सिबोला और एल्डोराडो बहुत ही चर्चित है। कहा जाता है कि ये शहर पूरी तरह सोने के बने थे और आज भी लोग सोने की लालच में इसे ढूंढ रहे हैं। पर इन मिथक शहरों के अलावा भी कुछ वास्तविक शहर हैं जिनके बारे में मायन सभ्यता में कई बार जिक्र हुआ है, जिन्हें ढूंढने का प्रयास पुरातत्वविद और माया सभ्यता में रुचि रखने वाले लोग आज भी कर रहे हैं। और शायद कनाडा के क्यूबेक शहर में रहने वाले 15 साल के एक लड़के विलियम गॉडरी ने सिर्फ इंटरनेट की मदद से अकेले एक ऐसा ही लुप्त मायन शहर और पिरामिड ढूंढ निकाला है। विलियम गॉडरी को मायन सभ्यता में काफी रुचि थी और वह इसके बारे में अक्सर अध्ययन करता रहता था। अपने अध्ययन में उसने पाया कि मायन शहरों और अंतरिक्ष में मौजूद सभी प्रमुख तारा मंडल में गहरा संबंध है। मायन बहुत ही अच्छे खगोल शास्त्री थे जो उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड के वास्तुकला में दिखाई देता है और विलियम गॉडरी ने अपने अध्ययन से पाया कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी 22 प्रमुख तारामंडल की स्थिति धरती पर मौजूद प्राचीन मायन शहरों के जमीन पर स्थिति से मेल खाती है। लेकिन जब वह 23वें तारामंडल का अध्ययन कर रहा था तो उसने पाया कि धरती पर उसकी मिलती जुलती स्थिति पर अब तक कोई मायन शहर नहीं मिला है, तो उसने गूगल अर्थ की मदद से इस तारामंडल की स्थिति पर धरती पर शहर की जगह ढूंढने की कोशिश की और उसने पाया कि यह शहर मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला के बीहड़ जंगलों में मौजूद हो सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि यह दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है और यहां पर अभियान भेजना भी बहुत ही खर्चीला होगा और इसीलिए उसने कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद ली जिन्होंने उसकी मदद के लिए हाँ कर दिया और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने अपने स्पेस टेलीस्कोप को विलियम गॉडरी के बताए हुए जगह पर केंद्रित किया और उन्होंने जो पाया वह हैरान कर देने वाला था। वहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो चौकोर था और जब उस क्षेत्र को और भी स्कैन किया गया तो कई तस्वीरें उभर कर सामने आई जो किसी विशाल पिरामिड और उसके आसपास बने छोटे छोटे मानव निर्मित संरचना जैसी लग रही थी। अगर ये तस्वीरें सच निकली तो ये मायन सभ्यता का ढूंढा गया सबसे बड़ा आबादी वाला शहर होगा। कई विशेषज्ञ विलियम गॉडरी के अध्ययन से सहमत हैं और वे मानते हैं कि अगर वहां अभियान भेजा गया तो वहां लुप्त शहर मिलने की संभावना बहुत अधिक है। विलियम ने अपने द्वारा ढूंढे गए शहर का नाम काकची रखा है जिसका मतलब होता है आग का मुंह। विलियम इस बात की आशा करता है कि वह एक दिन अपने ढूंढे गए शहर को अपनी आंखों से खुद देख पाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।